अगर आपका किसी भी बैंक में लॉकर है तो ये खबर खास आपके लिए है। 31 दिसंबर 2023 से पहले आपको आपका बैंक का लॉकर रिन्यू कराना होगा। लॉकर का जो एग्रीमेंट है वो रिन्यू कराना होगा, वरना हो सकता है कि 2024 1 जनवरी से आपका बैंक का लॉकर बंद हो जाए। ये संभावना है, लेकिन आपको आपका बैंक का लॉकर रिन्यू कराना जरूरी है। केंद्रीय रिजर्व बैंक की ओर से चरणबद्ध तरीके से बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई है, यानी जिन लोगों के पास भी बैंक में लॉकर है उन्हें 31 दिसंबर 2023 तक नया लॉकर एग्रीमेंट बैंक में जाकर जमा करना है। अगर आप अपना बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करते हैं तो आपका बैंक लॉकर सीज तक हो सकता है। बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बैंक की ब्रांच में जाना होगा। इसके बाद बैंक में बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करने के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद बैंक की ओर से स्टैम्प पेपर और ई स्टैम्पिंग आदि उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करने के बाद इसकी एक कॉपी आपको बैंक की ओर से भी दी जाएगी। चलिए अब आपको बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराने के फायदे भी बता देते हैं। इससे लॉकर की सुरक्षा बढ़ जाती है। बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बैंक इसके बाद आपके सामान की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हो जाएगा, जैसे कि चोरी, आग, डकैती, धोखाधड़ी और बैंक इमारत गिरने पर आपके सामान को कोई नुकसान ना हो। लॉकर सीज न होना। बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका लॉकर सीज नहीं होगा। आसानी से आप अपने सामान को लॉकर में रख और निकाल पाएंगे। तीसरा फायदा है मुआवजा। बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराने के बाद अगर आपके सामान को कोई नुकसान हो जाता है और उसमें बैंक की गलती होती है तो आपको इसका भी मुआवजा मिलेगा। प्राकृतिक आपदा या दैवीय कृत्य जैसे कि बाढ़ के कारण लॉकर में रखी किसी भी क्षति या सामग्री के नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। कुछ लोगों ने सालों से बैंक के लॉकर में जगह बनाकर रखी है और अलग अलग नाम पर लॉकर लिए हुए हैं। ऐसे में एग्रीमेंट में हर एक व्यक्ति का साइन होना जरूरी है और इसीलिए नए एग्रीमेंट कराए जा रहे हैं। नए एग्रीमेंट में काफी अलग अलग क्लॉज भी डाले गए हैं कि अगर बैंक से लॉकर में से कुछ चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की रहेगी। और बैंकिंग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2024 तक अगर बैंक का लॉकर रिन्यू नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपका लॉकर बंद हो जाए, और इससे पहले आपको बैंक का लॉकर जो है वो रिन्यू कराना जरूरी है।